नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में कांग्रेस ने शीला दीक्षित से किनारा कर लिया है। कांग्रेस दिल्ली में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और इसके लिए राहुल ने जिन 8 नेताओं की टीम बनाई है उनमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। उधर शीला दीक्षित ने आज तक से बातचीत में कहा है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगी। शीला का कहना है कि जनता ने उन्हें पिछले चुनाव में जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस ने दिल्ली में शीला के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। दिल्ली में राहुल ने जिन 8 नेताओं की टीम चुनी है उसमें अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ के साथ सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का भी नाम है। इन दोनों नेताओं के अलावा अजय माकन, जेपी अग्रवाल, महाबल मिश्रा और जयकिशन भी टीम में शामिल हैं। तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित से किनारा कर लिया है। हालांकि शीला दीक्षित ने आज तक से बातचीत में यह साफ कहा है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन जो पहले खबर आ रही थी अंदर खाने ये कि एक धड़ा कांग्रेस का चाहता है कि शीला को चेहरा बनाया जाए दिल्ली में सीएम कैंडिडेट के तौर पर, अब उस बीच ये खबर आ रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी दिल्ली में कांग्रेस और डिप्टी सीएम पद की मांग पर। और आपको हम बता दें इस बीच दूसरी खबर शिवसेना को लेकर भी है, वो खबर भी आपको हम बताएंगे जिसमें डिप्टी सीएम को लेकर अड़ी है शिवसेना। लेकिन इस बीच शीला दीक्षित को लेकर जो बड़ी खबर है, पहली खबर कि शीला दीक्षित ने खुद कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। दूसरी खबर जो अहम खबर है कि 8 सदस्यों की जो कोर टीम बनाई गई है राहुल गांधी की तरफ से उसमें शीला दीक्षित का नाम ही नहीं है, जबकि 15 साल तक शासन किया शीला दीक्षित ने। एक बड़ा चेहरा, एक मजबूत और कद्दावर चेहरा रहा है कांग्रेस का शीला दीक्षित के तौर पर, लेकिन शीला दीक्षित को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है खुद कांग्रेस ने। शीला दीक्षित से बात की आज तक संवाददाता श्वेता शर्मा ने, क्या कुछ कहा शीला दीक्षित ने, आइए सुनते हैं। दिल्ली में अब दोबारा चुनाव होंगे, हमारे साथ है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, उन्हीं से बात करते हैं। शीला जी स्वागत है आपका। सबसे पहले यही सवाल, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 1 साल के भीतर दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? वेल, अनफॉर्चुनेट है क्योंकि चुनाव सरकार के लिए भी और कैंडिडेट्स के लिए भी, पार्टीज के लिए भी बड़े महंगे होते हैं और बार बार समय से पहले जाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है तो इसको सामना तो करना ही पड़ेगा। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी और आप दोनों ही जिम्मेदार हैं इस तरह की स्थिति के लिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी अगर जो दी जाए किसी को तो वो आप पार्टी और मिस्टर केजरीवाल को है। उनको हमने सपोर्ट दिया था, रिटर्न सपोर्ट दिया था और कहा था हम आउटसाइड से देंगे, हम आपकी उसमें शामिल, सरकार में शामिल। खुद ही वो भाग गए, खुद ही चले गए और मेरे ख्याल में 50 दिन के अंदर ये सब करे और आज दावा कर रहे हैं कि जो 50 दिन में काम हुआ वो कभी हुआ ही नहीं है। तो इस तरह की बातें जो लोगों को गुमराह कर देती हैं, मैं समझती हूँ कि हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको थोड़ा बहुत एक शालीनता से और जो कर सकते हैं उसके वायदे करने चाहिए, मैनिफेस्टो निकालने चाहिए। ये थोड़े ही सारे बिजली के आप तार काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अगर जो जिम्मेदार है इसका तो वो आप पार्टी है। 15 साल बनाम 1 साल, ये नारा अब कांग्रेस दे रही है, लेकिन 15 साल जो विकास का चेहरा है वो आप हैं, तो क्या माने आप एक बार फिर से इन चुनावों में उभरता हुआ चेहरा एक बार फिर से होगा? नहीं नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये मैंने बड़ा स्पष्टता से कह दिया है और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं है सही बताऊँ तो। लेकिन जो कांग्रेस की मदद कर सकती हूँ, मैं कांग्रेस की एक सदस्य हूँ और उसमें मेरा कमिटमेंट है, उसकी पॉलिसी से मेरा कमिटमेंट है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि जो मदद मैं कर सकती हूँ, जो हो सकता है ज़रूर करूँगी, पर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन आपको नहीं लगता मैम वो आपकी जनता, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नई दिल्ली की जो जनता है वो इंतज़ार कर रही है कि वो शख्सियत जिसने हमें इतना विकास दिया वो एक बार फिर से हमारे बीच आए? अब वो आप कह रही हैं, एक जवाब मुझे मिल गया था पिछली दफ़ा कि काम करिए मगर अब आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उस जवाब को स्वीकार करती हूँ।
क्या लीड करेंगी कांग्रेस को, हम आपको लीडिंग रोल में देखेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप करती है चुनाव में, और उसके बाद में हम ऐसी स्थिति में आए कि हम कांग्रेस में की पार्टी गवर्नमेंट बना सकते हैं तो MLA चुनते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। एक और सवाल मैम, लगातार कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव में लड़ाई है वो BJP और आपकी लड़ाई है, कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही है, आपको क्या लगता है? इतनी ज़्यादा राजनीति की आप समझ रखती हैं कि आपको लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे है? देखिए, अभी कांग्रेस ने अपना प्रचार शुरू ही नहीं किया है, सब ने देखा है, सब हम लोग देख रहे हैं कि आपने और बीजेपी ने तो अपना प्रचार अभी से ही शुरू कर दिया है। जब प्रचार पे उतरेंगे हम, कैंडिडेट्स तय हो जाएंगे, उन दिनों में हम स्पष्टता से अपनी बात कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 15 वर्षों में कार्य हुआ, दिल्ली की शक्ल बदली, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लांछन हमारे ऊपर लगाए गए कि करप्शन भी है, वो भी कोई नहीं निकला, तो अब देखते हैं क्या होता। आखिरी सवाल मैम, लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 49 दिन में जो वो काम कर पाए वो किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया है, मोदी लहर भी काम नहीं करेगी, कुछ और काम नहीं करेगा, आपको क्या लगता है? केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, अपने बारे में कह रहे हैं, हमारे कांग्रेस की ऐसी सभ्यता नहीं है कि हम अपनी डुगडुगी बजाते जाएं। कितना काम उन्होंने किया वो सब लोगों ने कहा, और अगर जो इतना काम किया था तो फिर उसको आगे बढ़ाते क्यों रिजाइन करके चले गए? कांग्रेस में एकता देखती हैं आप, क्योंकि जब आपकी वापसी हुई थी तो आपकी एक बयान पे इतना विवाद हुआ था कि लगा कि कांग्रेस में फूट सामने आ रही है, अब आपको लगता है एकता दिखेगी? मुझे उम्मीद है कि अब क्योंकि एक सबक सीख लिया है सबने, तो अब एक होकर, एकजुट होकर कांग्रेस के बैनर के नीचे जरूर लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियदर्शी शीला दीक्षित जी, जिनका साफ तौर पर कहना है वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगी लेकिन कांग्रेस के लिए जो भी काम उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर आगे बढ़कर काम करेंगी, और वो देखती हैं कि कांग्रेस इस बार अच्छा परफॉर्म करेगी। कैमरामैन सुबोध सक्सेना के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। तो पहली बार शीला दीक्षित ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर और अहम खबर है वो ये है कि राहुल गांधी की जो टीम बनी है चुनाव को लेकर, जो कोर टीम बनाई गई है, उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो किनारा कर लिया गया है शीला दीक्षित से, कांग्रेस ने शीला से किनारा कर लिया है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है कांग्रेस, 8 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। राहुल गांधी ने जो ये 8 लोगों की 8 नेताओं की टीम चुनी है उसमें अरविंदर लवली, हारून यूसुफ इनका नाम है, जगदीश टाइटलर का नाम है, सज्जन कुमार तक का नाम है, जबकि सिख दंगों को लेकर किस तरह से इनका नाम उछला था और किस तरह से जनभावनाएं भड़की थी उस सबके मद्देनजर टीम में इनको जगह मिली है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल ये कि आखिर शीला से बेरुखी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक बात साफ है कि पिछला चुनाव कांग्रेस शीला दीक्षित के चेहरे के दम पर लड़ी थी और उस चुनाव में बहुत करारी हार हुई थी, तो एक जो कांग्रेस के भीतर की आवाज थी कि जो पूरी चुनावी हार थी पिछले विधानसभा चुनाव में वो शीला दीक्षित और उनके उनकी जो सरकार थी 15 साल उसके जो भ्रष्टाचार के कई सारे कारनामे निकलकर सामने आए थे उनकी वजह से वो हार हुई, और इसलिए इस बार शीला दीक्षित को दूर रखना चाहिए। और एक तरीके से कांग्रेस ये एक्सपेरिमेंट भी करना चाहती है कि शीला दीक्षित अगर नहीं है दिल्ली कांग्रेस में तो आखिरकार किस तरीके से उनके बाद दिल्ली कांग्रेस की रूपरेखा होगी, और यही वजह लगती है कि जो 30 अक्टूबर को मीटिंग हुई सुबह लगभग 1.5 घंटे की कांग्रेस की, उसमें राहुल गांधी मौजूद थे, शकील अहमद जो कि कांग्रेस प्रभारी मौजूद थे, और ये जो 8 नेताओं की टीम है वो भी तमाम नेता मौजूद थे, उन्हें कहा गया कि आपको सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और चुनाव लड़ना होगा। बिल्कुल, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि शीला दीक्षित के अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें कुणाल, तो कोई दूसरा बड़ा और कद्दावर चेहरा ऐसा है नहीं प्रोजेक्ट करने के लिए CM कैंडिडेट के तौर पर। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बार CM के उम्मीदवार के तौर पर कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा, और कांग्रेस को भी पता है कि शीला दीक्षित के बिना जो जिंदगी है कांग्रेस की बहुत आसान होने वाली नहीं है, मुश्किलें बहुत सारी हैं, और इसीलिए इस बार शायद एक नया प्रयोग करना चाहती है कि क्या कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व पे और तमाम अलग अलग कैंडिडेट्स जो कि ये नेता देंगे उनके दम पर क्या कांग्रेस चुनाव जीत सकती है या चुनाव में कैसा प्रदर्शन कर सकती है। प्रयोग कुणाल कहा जाए कि BJP से अगर प्रेरित है तो ये भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि BJP ही
वो भी खुद यही कर रही है कि मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। सामूहिक नेतृत्व में किसी खास चेहरे को सामने नहीं दिल्ली में लाया जा रहा है बीजेपी की भी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। ट्वीट के मुताबिक उनकी पार्टी दिल्ली में 49 दिन में किए गए कामकाज के दम पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी उन पर हमले बोल रही है। केजरीवाल ने सवाल किया है कि क्या बीजेपी बताएगी कि उन्होंने एमसीडी में 7 साल में क्या किया है। तो ये कहना है अरविंद केजरीवाल का।